चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर की शिफ्टिंग में चूक हुई है। पपला को फरार करवाने आए 6 गाड़ियों में बदमाश 20 लोगों को पकड़ा। पहले बैरोड और अब जेल ले जाते समय छुड़ाने का प्रयास। मंडावर कोर्ट ने किशनगढ़ बास जेल भेजने के दिए थे आदेश। गिरोह पीछे पड़ा तो कमांडो 302 किलोमीटर दूर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल ले गए। जेल ले जाते समय पपला गैंग के सदस्यों ने पुलिस को घेरने का प्रयास किया। खैरतल में 6 संदिग्ध कारें अचानक घेरा तोड़कर पुलिस के काफिले में घुसी। 4 कारों के मौके पर ही पकड़ा। एक कार को बैरोड के मौसमपुर के पास दबोचा। करीब 20 लोगों के पास से चाकू डंडे गुप्त जैसे हथियार मिले। शुरुआती जांच में इन लोगों का पपला से कोई संबंध सामने नहीं आया। ततारपुर में 6 संदिग्ध वाहन लगे थे पुलिस दस्ते के पीछे। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने किशनगढ़ बास टोल पर ट्रक लगाकर रास्ता किया था बंद। पीछे से अतिरिक्त जाप्ता आने से 4 SUV कारें फंसी। खैरतल व टपुकड़ा में किन्नरों के विवाद की बात आ रही है सामने। बदमाशों के खैरतल के किन्नरों के गुट को धमकाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पकड़े गए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जांच की जा रही है और जानकारी ली जा रही है। जयपुर रेंज IG हवा सिंह घुमरिया ने DG जेल राजू दासो से बात की। उन्होंने पपला को किशनगढ़ बास जेल के बजाय अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश की। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पपला गुर्जर को फिर से फरार करने की कोशिश की गई, जो पहले भी 2 बार पुलिस की गिरफ्त से फरार होने में कामयाब हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की पुलिस की चूक भी सामने आ रही है। तो हालांकि अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पपला से संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पकड़े गए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जांच की जा रही है और उनकी जानकारी ली जा रही है कि पहले से भी जो लोग जिनको पकड़ा गया है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कि नहीं। हालांकि शुरुआती जांच में पपला से इनका कोई संबंध सामने नहीं आया है। आपको बता दें जो लोग आए थे पपला को फरार कराने के लिए या पपला को छुड़ाने के लिए उनको पुलिस ने ट्रक लगाकर रोका और उनको गिरफ्तार किया। खेरतल व टपुकड़ा में किन्नरों के गुट में आपस में झगड़े की बात भी सामने आ रही है। तो पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है ताकि अब इस मामले में कोई भी चूक ना रहे। और ये बात हालांकि अभी साफ नहीं हो पाई है कि जो लोग आए थे जो संदिग्ध थे वो पपला को छुड़ाने आए थे या फिर कोई और वजह उसके पीछे रही। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अब इस मामले की तह तक जांच की जाएगी कि आखिर वो लोग कौन थे, क्यों आए, क्यों गाड़ियों का पीछा किया गया, क्या वास्तव में उनका पपला से कोई संबंध है, कितना बड़ा उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या पहले भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अब किशनगढ़ बास में पपला को शिफ्ट किया जाना था पर इस घटना के बाद अब उसको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। तो इस शिफ्टिंग में चूक का मामला सामने आया है। पपला को फरार करवाने 6 गाड़ियों में बदमाश आए और 20 लोगों को हालांकि पकड़ा गया है। पहले बैरोड और अब जेल ले जाते समय छुड़ाने का प्रयास। तो बिल्कुल पहले भी बैरोड थाने में फायरिंग कर पपला को फरार कर लिया गया था और फरार होने के बाद लगभग 2 सालों के बाद पपला को पकड़ने में सफलता हासिल हुई और अब जेल ले जाते समय छुड़ाने का प्रयास किया गया। मंडावर कोर्ट ने किशनगढ़ बास जेल भेजने के आदेश दिए थे और गिरोह पीछे पड़ा तो कमांडो 302 किलोमीटर दूर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल ले गए। तो बिल्कुल गिरोह के पीछे पड़ने के बाद ये बड़ा एक्शन और बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया और उसको अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया।